हांसी के एसपी लोकेंद्र सिंह ने नारनौंद क्षेत्र का आज दौरा किया और इस दौरान एसपी हांसी ने गरीब बस्तियों में जाकर उनका हालचाल पूछा व जरूरतमंदों को राशन भी बांटा। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की सख्त हिदायत भी दी। साथ ही उन्होंने नारनौंद क्षेत्र के नाकों का भी दौरा किया और पुलिस कर्मचारियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने का भी आदेश दिया। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। SHO, DSP और अपने जो भी चौकी इंचार्ज हैं अपने अपने एरियाज़ में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो बैंक्स हैं, जो राशन वाले डिपो हैं जहां पर भीड़ की संभावना है, वहां पर भी एहतियातन पुलिस लगा दी गई है और उनको डिस्टेंस बनाए रखने के लिए, दूरी बनाए रखने के लिए समझाया जा रहा है और लाउड स्पीकर से अनाउंस करके और इस लॉकडाउन को सफल बनाने का पूरा प्रयास जारी है हमारा। घर घर राशन भी पहुँचाया जा सकता है? हाँ, जो घर घर राशन पहुँचाए जाने की जो व्यवस्था है वो जो सिविल प्रशासन द्वारा की गई है और वो व्यवस्था भी चालू है। और साथ ही साथ जिनको ज़रूरी सामान के लिए आना पड़ रहा है वहाँ पर सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझाया जा रहा है। लोग काफ़ी हद तक अब लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं और जहाँ कहीं पर भी वायलेशंस हो रहे हैं वहाँ पर पुलिस सख्त कार्रवाई करके FIR दर्ज कर रही है। गाँव में थोड़ा सा अभी भी जागरूकता का अभाव है तो इसलिए वहाँ पे पुलिस की जो टीमें हैं बार बार जाकर समझा रही हैं। सरपंचों को भी हमने इनकॉर्पोरेट किया है, उनको भी हम बता रहे हैं कि वो आगे जाके गांव में समझाएं। कुछ गांवों ने अभी ठीकरी पहरा भी इसलिए शुरू कर दिया है, वो खुद गांव में आने जाने वालों पर नज़र रखे हुए हैं तो लोगों में जागरूकता काफ़ी बढ़ चुकी है और पुलिस आगे भी अपना प्रयास जारी रखेगी जिससे ये पूर्णतः गाँव में भी ये पूर्ण लॉकडाउन हो सके। जो ठीकरी पहरे का जो ऑर्डर है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया हुआ है तो वहाँ पर जो ठीकरी पहरे के नाके लगे हुए हैं, स्वतः तौर पर भी कई जगह पर युवाओं ने अपने जो गांव के लोगों ने उन्होंने नाके लगा रखे हैं।